चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगली खबर की। आधी रात को लोगों की जेब पर महंगाई ने डाका मारा है और डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 1.39 रुपए जबकि डीजल के दाम में 1.04 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अब से आपको लखनऊ में पेट्रोल 70.73 रुपए में मिलेगा जबकि डीजल 58.13 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। नोएडा में 1 लीटर डीजल अब 59.58 रुपए में मिलेगा जबकि पेट्रोल 73.04 रुपए में मिलेगा। और अगर बात की जाए आगरा की तो आगरा में 72.67 रुपए में पेट्रोल तो 59.61 रुपए में 1 लीटर डीजल मिलेगा। और ऐसे ही कानपुर में अब से 1 लीटर डीजल की कीमत 59.69 रुपए होगी जबकि 1 लीटर पेट्रोल आज से आपको कानपुर में 72.67 रुपए में मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले ही 1 अप्रैल को डीजल पेट्रोल की कीमत कम हुई थी। सरकार को कोई भरोसा नहीं, एक दिन बढ़ाती है, दो दिन में फिर बढ़ा देती है, घटा देती है, बढ़ा देती है। बल्कि जो नए रूल आने वाले हैं कि रोज नया रेट हो, उससे ठीक रहेगा। सारा ही इफेक्ट पड़ेगा, सारा ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी। और गवर्नमेंट तो कभी भी रेट बढ़ा देती है, घटा देती है, तो चल ही रहा है आजकल। बहुत बढ़ गया रेट हमारा, तो सब चीज़ महंगी जाती है, लाइक सब्जी है, ग्रॉसरी है, गारमेंट्स है, सब पे इफेक्ट पड़ता है। और इफेक्ट ये गरीब को झेलना पड़ता है बार बार, और ये ही बहुत गलत है जिसको हमें सही करना पड़ेगा अपनी कंट्री के लिए। नॉर्मली ये जो बढ़ते रहते हैं उस हिसाब से बढ़े हैं घट रहे हैं, जो सरकार अपने तरीके से जो कर रही है उस वजह से ऊपर नीचे हुए होंगे, ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है आई गेस। 1 रुपया डीजल पे और 1.25 रुपया 1.30 रुपया कुछ करीब बढ़ा है, हार्डली एनी डिफरेंस। क्या करेंगे, कम होएगा तो अच्छा है, ताकि रोज ऊपर नीचे हो जाता है, मालूम नहीं आज क्या होगा कल क्या हो, तो स्टेबल रहेंगे तो अच्छा रहेंगे। इससे अगर भाव बढ़ते हैं तो उसका असर पूरे जीवन पे हो जाता है, तो ऐसे कम ज़्यादा और इतना फ्लक्चुएशन उसमें है कि बोल भी नहीं सकते कि कल क्या होने वाला है, और बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। और आम आदमी का जो जीवन है उससे बहुत टेंशन कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। इसके कहने न कहने से कुछ फर्क नहीं गिर रहा है, क्योंकि हर वक्त पेट्रोल का भी 15 दिन बढ़ रहा है पर 15 दिन कम हो रहा है। पब्लिक को कुछ इसके मालूम नहीं किस बेस पे बढ़ रहा है किस बेस पे कम हो रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है।